आप सभी दादा बंधु हमारे सम्मानित उपस्थित दूसरा माइक लाएंगे बोलिएगा तो लोगों का हम रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इंस्पेक्टर इम्तियाज अंसारी यात्री सुरक्षा रांची मंडल और हमारे बीच थाना प्रभारी श्री रूपेश कुमार साहब मुरूसी और चौकी प्रभारी अभी शर्मा साहब एमके शर्मा साहब और हमारे जवान यहां उपस्थित हैं। चूंकि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय हम लोगों के बीच दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ ही साथ आज जो यहां आने का हमारा मकसद है, कुछ अहम बातें आप लोगों से करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हम लोग रेलवे सुरक्षा बल रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ रेल संपत्ति की भी सुरक्षा संरक्षा की हिफाजत हमारे कंधों पे है। आपके इलाके से ट्रेन गुजरती है, शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेनें, लोकल सभी, तो हम लोगों का मेन मकसद है कि जब आप हमारे ट्रेन के लिए एक टिकट कटाए हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम आपको गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करें। उसी लिए रेल में एक आरपीएफ और जीआरपी दो एजेंसियां हैं। तो चूंकि हम लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं और उसी के मातहत काम करते हैं, तो आज जो अहम बातें करने आए हैं, बात बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने इतने कसी तादाद में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः आप लोगों का दिल से अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। रेल आपके इलाके से गुजरती है, कभी कभी जो पायलट जिसको ड्राइवर कहते हैं उनके द्वारा शिकायत मिलती है कि चलती गाड़ी में गांव के करीब जो बच्चे रहते हैं, मवेशी चलाते हैं या आसपास गुजरते हैं, वो ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर देते हैं। लेकिन उस नादान बच्चे को ये समझ में नहीं आती है कि इसका कितना घातक परिणाम होगा। ट्रेन में जब पत्थर आप चलाते हैं, अंदर बैठा हुआ आप मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं के तौर पर अगर जा रहे हैं, शीशे टूटकर अंदर बैठे मुसाफिर को लगता है, यात्री को लगता है, तो कितना नुकसान होता है, कितना उस जख्मी हालत में अगर उसकी कुछ ज्यादा ही खून बह गया तो इलाज के लिए ना डॉक्टर है, ना हकीम है, ना कोई कंपाउंडर है, और उस वक्त आप गाड़ी को रोक भी नहीं सकते हैं कि उसकी रफ्तार 120 के स्पीड से चल रही है। नतीजा क्या होता, अगले स्टेशन में उसको उपचार दिया जाएगा या आसपास जो होंगे वो उसको सुरक्षा देंगे या जो भी फर्स्ट एड दे सकेंगे। इस दरमियान क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पत्थर की रफ्तार कितनी तेज होगी और गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज है, तो दोनों का अगर मिला दें तो कितनी तेज रफ्तार से उस व्यक्ति को हानि पहुंचेगा। देखा यह भी गया है भारतीय रेल में कि ऐसी हालत में मृत्यु कारित भी हो जाती है, पैसेंजर की जान भी चली जाती है। नतीजा आपको जाना है यहां से दिल्ली या अपने गंतव्य स्थान के लिए, और भगवान को प्यारे हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो क्या आपको कोई तकलीफ हो, आप जैसे यहाँ के समस्या के बारे में कहें कि ये एलएचएस जो बना हुआ है लो हाइट सबवे आप किस वजह के लिए बनाया गया है, लेकिन बारिश के मौसम में क्या होते हैं, पानी वाटर लॉगिंग होने की वजह कर आपको दुश्वारी होती है। इससे कबल में एएस साहब के साथ भी आया था, एसडीएम साहब के साथ भी मेरा आश्वासन दिया था, तो तुरंत वो मशीन लगाकर पानी को बाहर निकाला गया था। तो आप लोग अपनी बातों को जो माध्यम है, जो चैनल है, जो तरीका है, उसके द्वारा आप गांव वाले एक एप्लीकेशन लिखे ग्यारह महोदय को कि ये परेशानी होती है, यकीनन आपको समस्या का समाधान होगा। तरीका कायदे से होना चाहिए, ये ना कि रेल के चक्कर जाम करने उससे आपको भी नुकसान हमें भी नुकसान होती है। तीसरी जो हम बात मैं करने आया हूँ कि कभी कभार आपके इलाके में कोयला लोडेड जो रैक होता है, मालगाड़ी जो कोयले से लदी होती है, लोडेड होती है, वो किसी कारण जैसे कि ड्यू टू वांट ऑफ सिग्नल, रेड सिग्नल की वजह से खड़ी हो जाती है,
गांव के लोग क्या करते हैं, जाकर कूड़ा उतार लेते हैं अपने ये के लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अगर उस पर खड़े हो गया तो 25,000 फुट के ऊपर में ऊंची वायर चल रहा है, आप तुरंत मिनटों में खाक हो जाएंगे, आपकी जान चली जाएगी। तो इसका भी आप लोग खास ख्याल रखें, गाड़ी खड़ी होती है तो नाजायज छेड़खानी ना करें मुस्लिम मालगाड़ियों के साथ, ये मेरा अनुरोध आप लोगों से। और यहाँ वाटर लॉगिंग जो पानी की बात कर रहे हैं, आप लोग बाकायदे तौर पर एक एप्लीकेशन लिखे मंडल माननीय मंडल प्रबंधक रांची को, आपके समाधान समस्या का जरूर किया जाएगा। मैं आप लोगों के बीच भी कुछ बातें सुनना चाहूंगा, कोई सम्मानित व्यक्ति कुछ बोलना चाहे तो उसका स्वागत है। मैं अपने उस साहब को भी अनुरोध करूंगा कि दो सब कुछ रखे हमारे बीच, उस साहब जो बोला बहुत बढ़िया शिक्षा दिया कि छोटा बच्चा जो बोला है कि पत्थर फेंकता है, और जैसे बोला कि अल्लाह से मान के चलिए यहाँ पर कोई पत्थर फेंके और मुश्किल तक जाना है उसको, फिर बहुत दर्द होगा, न ना डॉक्टर रहेगा ना कुछ रहेगा, ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और हम लोग का ये प्रॉब्लम है कि जब ब्रिक्स अंदर से पानी निकाल रहे हैं, हम लोग रिप्लेस करेंगे जितना साल समय है, ये इंजीनियर को पहले दिखाए अंदर से कहीं अगर हुआ होगा पानी कैसे निकाल रहा है डैम के अंदर से। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट करो जितना साल समय है यहाँ पर लाइट का व्यवस्था करने से अच्छा रहेगा, रास्ता कीजिए, नहीं तो विकल्प रास्ता का व्यवस्था कर। नमस्कार, बांग्ला
है बोलते हिंदी जानी है बोलते बुझे बोलिए हमारे एक रास्ता अच्छे